कमांड था हम लोग का, रेक्टेंगुलर कमांड था, और दूसरा चीज क्या है, इसको हम पॉलीगॉन कैसे बनाएगा। पॉलीगॉन का मतलब क्या है, आप 3 से ऊपर जो होगा, 2 नहीं है, ट्रायंगल का ऊपर जितना होगा वो सब पॉलीगॉन होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब पॉलीगॉन है। तो एज का हिसाब से करोगे तो वो भी पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले करने के लिए तो हमको दो चीज आज सीखना है, कौन सा चीज, पहले वाला हम रेक्टेंगुलर सीखेगा और दूसरा चीज पॉलीगॉन सीखेगा। तो रेक्टेंगुलर करने के लिए तुमको क्या है, रेक्टेंगुलर कमांड में गया, उसका कोई पॉइंट में क्लिक कर दे, क्या कोई पॉइंट में क्लिक कर दे। करने के बाद आप पहले लेंथ को डिफाइन करिए, लेंथ डिफाइन करने के लिए हम 100 मार रहे हैं, उसके बाद टैब मार रहे हैं, जो 100 लेंथ हो गया उसके बाद वो तुम्हारा विथ मांग रहा है, वो बोल रहा है हम 80, एंटर करो, एक रेक्टेंगुलर बना दे। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर से बोल रहा है, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं और एक बार दिखा रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम रेक्टेंगुलर कमांड में गया, कोई पॉइंट को सिलेक्ट कर दे, सिलेक्ट करने के बाद वो तुम्हारा जो एरिया है, एरिया पूछने लगेगा, लेंथ कितना है, हम बोल रहे हैं मेरा लेंथ अभी 150 है, ओके। उसके बाद टैप, टैप कमांड है, टैप में मारो, उसके बाद हम 100 डाल रहे, विथ को 100 डाल रहे, तो 100 by 150 by 100 का एक रेक्टेंगुलर बना दे। समझ में आ गया। और दूसरा चीज, हम इसको स्क्वायर जैसे बना सकते, सब कुछ बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप रेक्टेंगुलर ले लिया, हम रेक्टेंगुलर ले लिया, पहले इधर बहुत सारा ऑप्शन है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्पर जो कुछ है, पिलर थिकनेस, कुछ धीरे धीरे करके देखा है, पॉइंट ब्लिंक किया, पॉइंट ब्लिंक करने के बाद इसको हम शिफ्ट दबा के एट द रेट, क्या लिखा, शिफ्ट दबा के एट द रेट 100 टैप 100 एंटर करो, एक स्क्वायर बना देगा। आप एट द रेट से लिख सकते हैं, नहीं तो टैप से बना सकते, दो ऑप्शन बोला है, ठीक है, थोड़ा समझ में आया, ओके। ये रेक्टेंगुलर का, तुम बोलोगे सर मेरा रेक्टेंगुलर में हम कल फिलेट ऑप्शन भी दिखाया था, आज इसके ऊपर फिलेट ऑप्शन भी थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, अभी भी समझ में आ जाएगा फिलेट ऑप्शन कैसे काम करता है। हम आज इसके ऊपर हम फिलेट भी चैम्पर दिखाएगा और बैंड कर भी, ये तीनों भी इधर दिखा दे रहा है ये प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, नहीं तो बाद में भी दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ऑल कॉर्नर में हमको फिलेट चाहिए, तब हम क्या करोगे, तो हम फिलेट कमांड में ले गया, क्या कर रहे हैं, फिलेट कमांड लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रेडियस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, रेडियस, हम मानो रेडियस 10 डाल दिया, उसके बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद वो बोल रहा है मल्टीपुल, हाँ तुम बोलो मल्टीपुल, मल्टीपुल तो सब साथ होगा, और आप एक करोगे तो एक एक करना पड़ेगा, पहले हम एक करके दिखा रहे हैं, और उसके बाद वो मांगे रहे ट्रिम और नो ट्रिम। ट्रिम मतलब तुम्हारा जो वापस जुड़ा है, जो एंगल है ना, वो हट जाएगा, और नो ट्रिम मतलब क्या है, वो रह जाएगा। हम दोनों की चीज़ को करके दिखाएगा, पहले ट्रिम करके दिखा रहे हैं। तो हम एक लाइन को सिलेक्ट किया, दूसरा लाइन को सिलेक्ट किया, तो एक फिलेट बना दिए, ओके। तो उसके बाद आप रिपीट सर्कल से इसको भी कर सकते, ओके, ऐसे करके कर सकते। दूसरा चीज क्या है, हम और एक बार ले रहे हैं फिलेट, फिलेट में लेके गया, ठीक है, और इसको रेडियस हम 15 डाल रहे हैं, एंटर किया, उसके बाद हम नो ट्रिम कर रहे हैं, नो ट्रिम कर रहे हैं, और उसके मल्टीपुल कर रहे हैं। उसके बाद एक लाइन ये ले लिया, दूसरा लाइन ये लिया, देखो फिलेट बांधा है बट इसको इसको ट्रिम नहीं किया। उस टाइम क्या किया था, पहले वाला ऑप्शन में क्या किया था, ट्रिम किया था, अभी इसको ट्रिम तो नहीं कर रहे। आप जैसे बोलोगे वो ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तीसरा चीज, इसको बैक कर रहे, एक ऑप्शन होता है फिलेट के अंदर पॉली लाइन, आप फिलेट के बारे में सब बोल दे रहे, सुन लीजिए, फिलेट किया उसके बाद पॉली लाइन डाल दे रहे, किसको पॉली लाइन है, इसको पॉली लाइन है, हम रेडियस डाला नहीं है। तो आप पहले जब
इसको करना है तो फिलेट के अंदर आप पॉलीलाइन में जाओ, फिलेट में जाओ, इसको पहले रेडियस डाल दो। रेडियस कितना है, हम बोल रहे हैं हमको इसको रेडियस 15 mm करना है। एंटर करो और उसके बाद पॉलीलाइन कर दो। क्या करना है, पॉलीलाइन कर दो। पॉलीलाइन करोगे तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, पूरा ऑब्जेक्ट को जितना है पूरा में वो फिलेट लगा देगा। थोड़ा समझ में आया, जो जो काम बोल रहा है वो भी एक बार सुन लीजिए, अच्छा तरीके सुन लीजिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिलेट का काम था, ओके। अभी तो मेरा फिलेट का काम बाद में वो भी देख सकते हैं, अभी तुम्हारा जो काम है नेक्स्ट ऑप्शन, हम पॉलीगन बना सकते। पॉलीगन के लिए हम पॉलीगन ऑप्शन को क्लिक किया, इसको एज, पहले आपका एज मांगेगा। आप मानो इसको एज हम 6 डाल रहे, 6 लिख के इंटर कर रहे, उसके बाद वो बोल रहा है तुम्हारा एज कितना है, उसको सेंटर पॉइंट दे दो, एंटर करो, तो वो एज मांगेगा कितना एज का डिस्टेंस है, एक एज से दूसरा एज का डिस्टेंस कितना है। हम बोल रहे इसको एज का बोल रहा है हम 20 एंटर कर रहे हैं। क्या कर रहा है, 20 एंटर कर रहे हैं। तो आप वो 20 का एंटर के साथ वो पॉलीगन बना दे, ओके। तुम बोल रहे नहीं सर, हम ना इसको सीधा करना चाहेगा, इसको ऐसे सीधा होना चाहिए। आप रोटरी कमांड से कर सकते हैं, नहीं तो इधर भी एक ऑप्शन है पॉलीलाइन के अंदर। पॉलीलाइन में गया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सब पहले एज को सिलेक्ट किया, हम एज बोल रहे हैं 8 एज है, एंटर किया, उसके बाद एज ले लिया। एज का वैल्यू कितना है, हम बोल रहे इसका 25 है, एंटर करो। देखो एक पॉइंट से वो जिसके थ्रू आपका करना है, जहां रखना है वो हिसाब से आप रख सकते हैं, ओके। समझ में आ गया, तो इसको वैल्यू आप जैसे रखना है, आप मानो इसको ऐसे रखना है, इसको लेंथ डाल दो। हम बोल रहे हैं इसको जो एज का लेंथ है ना, हम 60 डाल दें, 60 और ऐसे करना है, तो ऐसे करके वो 60 के ऊपर ये बना देगा। थोड़ा समझ में आया सर, तुम बोलोगे सर हमको 3 नहीं होगा, आप एक बार पॉलीलाइन को 3 बना के देखो। पॉलीलाइन इसको नंबर ऑफ साइड हम 3 एंटर कर रहे हैं, इसके बाद पॉइंट ब्लिंक किया, एंटर किया, देखो ट्रायंगल बना देगा। 2 से नहीं होगा, मैक्सिमम 3 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया, आपका 3 से करना है, 3 से स्टार्ट करके मैक्सिमम जितना करना है वो उतना तक बना जाएगा। आप ट्रायंगल बना सकते, जो कुछ बनाना है उसको बना सकते। थोड़ा समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। तो हम लोग का पॉलीगन भी बन गया, तो इसके ऊपर हम लोग आज एक ड्राइंग बनाते हैं। कौन सा ड्राइंग है, आप मानो आपका पास ए ड्राइंग है, तो आप आज जैसे करना है हम इसको किसके ऊपर करेगा, इसको एक रेक्टेंगुलर के हिसाब से करेगा और एक सर्कल का हिसाब से करेगा। नहीं तो इसका लेंथ है, ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया, 150 दिया, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, ए पॉइंट टू ए पॉइंट का डिस्टेंस है 150 और इधर एक रेडियस है, ये तो फिलेट का रेडियस है, और इसको एज का वैल्यू कितना दिया, तुम्हारा देखा रहा 25 है, और इसका बड़ा वाला रेडियस कितना है, 41 है, और इसको दो रेडियस आपको डालेगा, एक होता है 15 और एक होता है 10। हम लोग का ड्राइंग बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो इसको बनाने के लिए हम ये सब को डिलीट कर दे रहे हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, इरेज कर दो, चला जाएगा। पहले एक लाइन ले लो, एक पॉइंट से दूसरा ऑर्थो मोड ऑन कर दो, लेंथ कितना है 150, एंटर करो। एंटर करने के बाद हमको क्या काम करना है, इसके ऊपर दो रेडियस है, एक 15 वाला रेडियस है और एक कितना है 10 वाला रेडियस है, तो हम दो बना देगा। तो इसके ऊपर दो रेडियस है, रेडियस में चलो सेंटर रेडियस, क्लिक द आर, एंटर 15, एंटर, और एक था कितना रेडियस 10 था ना, आर एंटर 10, एंटर, बन गया। बन के बाद उसके बाद क्या करोगे, इसके ऊपर एक सर्कल है, क्या है, इसके ऊपर एक सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, 41 है, ये भी बना दीजिए।
तो इसके ऊपर एक 41 का रेडियस है, रेडियस में गया, क्लिक किया, R एंटर, 41 एंटर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा चीज, हमको पॉलीगॉन बनाना है। जो पॉलीगॉन बनाना है उसका आपका देखा रहा कितना 25 है, कितना नंबर एज है 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सागन है। तो इसको बनाने के लिए पहले जाओ, उसके बाद पॉलीगॉन में क्लिक, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, पॉलीगॉन में क्लिक करो, नंबर ऑफ एज सिलेक्ट करना है, पहले नंबर एज कितना था 6 एंटर है। उसके बाद पॉइंट ब्लिंक करो, इसके बाद एंटर करो, कैसे रखना है हमको ऐसे रखना है। उसका लेंथ कितना था, लेंथ कितना था 25 एंटर कर दो, हुआ नहीं है, आप इसको डिस्टेंस एक बार चेक कर लो ना, आपका कोई प्रॉब्लम लग रहा है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, इसको 25 दिखाएगा, ज्यादा कुछ नहीं दिखाएगा, डिलीट कर। और एक चीज है, आप बोलोगे सर मेरा ड्राइंग में तो ये सीधा था, ये तो सीधा था, आप कैसे इसको कर दिया, ये तो सीधा नहीं है। आप दो चीज से कर सकते, एक चीज क्या है तुम्हारा, एक तुम्हारा रोटरी कमांड से कर सकते, कौन सा कमांड से रोटरी, इसको कमांड से कर सकते, हम इसको दिखाने के लिए किया, इसको रोटरी कमांड से किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, इसका बेस पॉइंट मान लो, इसके बाद इसको कितना रोटेट करना है, हम बोल रहे 90 डिग्री, 90 एंटर करो, देखो ये सीधा हो जाएगा, ये रोटरी कमांड से किया। दूसरा चीज, आप पॉलीगन के अंदर रोटरी कमांड से भी कर सकते, एक बार में भी कर सकते, नहीं तो इसको रोटरी से कर सकते, हम दो चीज दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो इसको पहले था, और एक बार रोटरी कमांड देख लीजिए, तुम्हारा ड्राइंग ऐसे था, एक्चुअली तुम्हारा ड्राइंग ऐसे ही नहीं है, इसको सीधा है, दिखाई दे रहा ना, इसको कौन सा कमांड से करोगे तुम, रोटरी कमांड, कौन सा कमांड, रोटरी। तो आप रोटेट कमांड में गया, रोटेट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, इसको पॉइंट ब्लिंक किया, उसके बाद कितना डिग्री में रोटेट करना है, हम बोल रहे 90 डिग्री रोटेट करना है, एंटर करो और 90 डिग्री में इसको रोटेट कर देगा, क्यों, वो पॉइंट से वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रोटेट करोगे वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा समझ में आया। उसके बाद हम और एक बार उसको बना के एक बार दिखा रहे, इसके ऊपर क्या था, क्वाड्रेटिक पॉइंट से थोड़ा इसको डाल दीजिए, इतना कर दीजिए, और इसको क्वाड्रेटिक पॉइंट से इसको भी थोड़ा डाल दीजिए, ठीक है, जुड़ा है नहीं जुड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिलेट मारेगा, हम इतना दिन क्या जॉइंट वाला के फिलेट किया, अभी आन जॉइंट का हम कैसे फिलेट करेगा, इसलिए दिखाने के लिए बना रहे। आप मानो इसको जो रेडियस था, इसको कितना रेडियस है 50 है, तो हम इसके ऊपर फिलेट मारेगा, क्या मारेगा, फिलेट मारेगा। फिलेट कमांड करने के लिए आप फिलेट ऑप्शन में चलो, पहले उसको रेडियस डाल दो, 50 है, एंटर करो, कौन सा लाइन, एक लाइन ए है, दूसरा सर्कल ए, समझ में आ गया, रिपीट करो, एक लाइन ए है, दूसरा सर्कल ए, कितना आसानी से बना देगा। आपको जुड़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप किसी को ज्वाइन को भी कर सकते, कोई आन जॉइन की भी कर सकते, कैसे, आप मानो आपका पास दो लाइन है, एक लाइन ए है और दूसरा लाइन, देखो हम थोड़ा डिस्टेंस करके इसको कर रहे हैं, इसको हम नहीं है, हम इसको पॉइंट में फिलेट कमांड देकर इसको पूरा जुड़ा सकते, कैसे, फिलेट कमांड लिया, इसको रेडियस में हम 0 एंटर करके दो लाइन में क्लिक कर देगा, वो सीधा हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकते, हम दो पॉइंट देने के लिए, आप कभी कभी वो गलती से कर देगा ना, वो एस को रेडियस को 0 कर दो, तो वो 0 में एक पॉइंट में उसका क्लिक हो जाएगा। ये जब हो जाएगा मेरा तो ड्राइंग बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ट्रिम कर ले रहे और ए कर दे रहे, हाँ उसके बाद क्या है, इसके ऊपर एक सेंटर लाइन है, सेंटर डॉटेड दिखाई दे रहा है, उसको कैसे लेना है, हम काल भी दिखाया था, आज भी एक बार देख लीजिए,
सेंटर डॉटेड, मतलब इसको सेंटर लाइन करना है, तो सेंटर लाइन उसको पहले इसको ट्रिम कर लो, जिसको जिसको हमको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डॉटेड लाइन करने के लिए हम क्या गया था कल, एक लेयर प्रॉपर्टी में गया था, लेयर प्रॉपर्टी में गया, लेयर प्रॉपर्टी एक नया लेयर किया, नया लेयर किया, हम क्या करेगा इसको सेंटर लाइन करेगा और डॉटेड लाइन करेगा, डॉटेड करेगा, ठीक है, डॉट लिख दो, ओके। और उसके कॉन्टिन्यूस में गया, उसको लोड करो, कौन सा करना पड़ेगा, आप डॉटेड ले रहे हैं, आप मानो ये आईसो डॉटेड है, ये छोटा वाला डॉटेड ले रहे हैं ऐसे, उसको ओके किया और इसको डॉटेड किया और ओके कर दिया, हो गया। इसको डॉटेड भी आप करोगे सेंटर लाइन से बहुत अच्छा होता है, इसको डबल क्लिक करो, इसको डबल क्लिक करो, बाय लेयर के अंदर आपका पास डॉटेड लाइन आ गया, देखो वो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है डॉटेड लाइन, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो डॉटेड भी ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ गया। तीसरा चीज, इसको डायमेंशन तो आपको पता है सबको, तो हम स्मार्ट डायमेंशन में गया, कुछ नहीं करना है, इसको क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो बोल देगा इसका रेडियस कितना है, हमको बोलने का जरूरत नहीं है, एंटर करो, रिपीट डायमेंशन में करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको जो रेडियस है आप इसको रेडियस से में मार सकते, इसको रेडियस मार दो, कितना था इसको 50 था नहीं था, रिपीट डायमेंशन करो, इसको रेडियस कितना था 50 था, और इसको रेडियस कितना था ए 15 था, रिपीट रेडियस इतना कितना था 10 था। और दूसरा बात, इसको लाइन कमांड से, लाइन कमांड से एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ए है, इसका लेंथ भी आप कर सकते 150, हम सब कुछ दे दिया, ओके समझ में आ गया। और इसको इसको देखो, आज तुम लोग का बाउंड्री देना है, हम बाउंड्री सिखाएगा, इसको देखो, हेलो, आज उस दिन हम क्या देखा था, हैच कमांड दिखाया था, इसको हम आज बाउंड्री दिखाएगा। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ए हम हैच भी किया, ग्रेडियंट भी किया, हम एक बार हैच कर लेते हैं, इसको हैच कर लिया, हैच के बाद वो पॉइंट में आपको ब्लिंक कर दिया, वो हैच का जो प्रॉपर्टी देगा उसके ऊपर वो हैच हो जाएगा, हम इसके बारे में बोल दिया था। दूसरा चीज, ग्रेडियंट के बारे में बोल दिया, आज हम क्या बोलेगा, इसको बाउंड्री मानो, हम बाउंड्री नहीं दिया, क्यों, इसको पूरा सिलेक्ट नहीं है, देखो एक खंडा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एक अलग अलग है, हम इसको बाउंड्री दे देगा ना, हम क्या करोगे, इसको बाउंड्री दे देगा ना, पीक पॉइंट हटा के इसको बाहर बाउंड्री दे देगा, तो उसको एंटर कर दोगे, देखो पूरा ऑब्जेक्ट को एक बार में बना दे, बनाया, दिखाई दे रहे, तो वो बाउंड्री बना लेगा, थोड़ा समझ में आ गया, एक बार में बाउंड्री भी कर सकते हैं। और एक बार अच्छा ठीक है, इसको क्लिक कर रहे, आप मानो इसको आपका ए बी लाइन नहीं है, डिलीट कर दो, आप ए सब नहीं है, हम इसको जरूरत नहीं है लेने के लिए, इसको डायमेंशन भी छोड़ दो, हम ऐसे है, इसको हम देखो, आप जब सिलेक्ट कर रहे ना, एक आधा आधा सिलेक्ट हो रहा है, पूरा तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम बाउंड्री कमांड देगा, तो एक बाउंड्री बना देगा, क्या एक बाउंड्री सिलेक्ट करोगे, इसको पीक पॉइंट डालो, कहाँ इसको क्लिक करना है, तो वो पूरा एक बाउंड्री बना दे, देखो इसको एंटर नहीं किया, बाउंड्री में गया, पीक पॉइंट दिया, सिलेक्ट किया, एंटर किया, देखो एक बार में पूरा जॉब को सेटिंग कर ले, देखा, तो इसको हम बाउंड्री भी बना सकते, ओके। तीसरा चीज, ये ड्राइंग के ऊपर क्या था, एक कलर था, वो भी हम बना दे रहे तुम्हारा, ठीक है, जल्दी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम और एक ऑप्शन में गया था, ग्रेडियंट, और इसको जैसे कलर था ऐसे भी कलर लेकर और इसको बाउंड्री को सिलेक्ट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए, तुम्हारा जैसे ड्राइंग था वो ऐसे बना देगा, समझ में आ गया, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट कमेंट में जाएगा और एक नेक्स्ट ड्राइंग बनाएगा।